श्रीशुकोवाच गोविन्दभुजगुप्तायाम् द्वारवत्याम् गुरुद्वः अवाचीत् नारदोऽभीष्णम् कृष्णोपासनलालसः। गोविन्द के सामर्थ्य सुरक्षित उस द्वारवती नगरी में हे कुरुद्वामन हे परीक्षित, नारद जी बार बार आके लगातार रहने लगे। क्यों? कृष्णोपासन लालसह नारद अभीक्ष्णम अवात्सीत, कृष्ण की उपासना में ही उत्कंठता विद्यमान है जिसका, ऐसे जो नारद जी वहां पर विराजमान रहने लगे। अच्छा, दक्षावत नैकत्र वास संभवती थी आशंका गोविंद भुज गुप्त आया, क्योंकि जो है शंका हो सकता है वहां कैसे निरंतर रहने लग सकते हैं, वहां लगातार कई दिनों तक शाप तो है उन पे और तगत है, लेकिन भगवान की कृपा के कारण से द्वारवती नगरी में लंबे समय तक भी वो टिक सके। तम एकदा नहीं को अनुराजन निंद्रियवान मुकुंद चरणाम भुजम न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्मय अमरोत्तम उपास्यम अमरोत्तम उपास्यम अमरोत्तम। कौन राजन, हे राजन अरे परीक्षित, कौन है संसार में जो इंद्रियवान होकर के भगवान के चरणों के भजन नहीं करतेगा? न भजे तो कौन न भजे था, मैंने अवश्य में सर्वे भजन तो इत्यर्थ। इंद्रिय वाला होकर के मुकुंद चरणाम्बुजम को न बजेत, सर्वतो मृत्यु रूपास्यम कहते, चारों तरफ से लोगों के पास क्या घिरा हुआ है, मृत्यु ही विराजमान है। इंद्रियवत मात्र में वह यत्र अधिकारी विशेषण मित्रता, कहने का मतलब इंद्रियवान होना जरूरी है, मैंने सकल जो इंद्रिया सुसम्यक रहेगा तो आसानी से नवधा विभक्ति भक्तियों को कर सकता है। सर्वत सर्वेश्व बिल्लोकेश्व इत्यर्थः, सर्वतः मृत्यु का उपास्य है, मृत्यु ही उपास्य है का मतलब क्या है, मैंने सभी लोकों में मृत्यु है उपास्य, मृत्यु के द्वारा उपास्य सकल तत्व है जिसमें, यस्य बहुरी समास कर मृत्यु यस्य स सर्वेश्व बिल्लोकेश्व मृत्यु यस्य स सर्वतो मृत्यु, इंद्रियवान का विशेषण है। सभी लोग जहां भी जाएगा मृत्यु अवश्यम भावी है जिसका, ऐसा जो जीवात्मा इंद्रियवान पुरुष हो करके वह अवश्य भगवान का चरण भजन करेगा ही, ऐसा कौन होगा जो नहीं करेगा, अर्थात सभी करेंगे, चाहे वो अमरोत्तम ही रपि, अमरोत्तम का तात्पर्य द्विजोत्तम ही तीर्थ, द्विजोत्तम मतलब विवेक ज्ञान से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षेत्र वैश्यों के द्वारा, ऐसा कौन सा होगा जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य करके शास्त्र से जानने के बाद भी परीक्षा लोकान कर्मचार निवेदन आया उसके बावजूद भी वो भजन न करे, ऐसा हो नहीं सकता। तमेकदा तु देवर्षिम वसुदेवो गृह आगतम अर्चितम सुगम आसीनम अभिवाद्यम अब्रवीत। तम देवर्षिम नारदम, ये बीच का जो श्लोक इसलिए था कि नारद जो है कृष्णोपासन लालस क्यों था उसके जवाब था, दूसरा श्लोक जो है तर्क दिया गया नारद जी को कृष्ण भगवान की उपासना करने की बड़ी जो है उत्कुंठता क्यों थी, तब कहते क्यों नहीं होगा, कौन उपासित कौन भजित, वो तो क्या दुनिया में कोई भी हो जिस व्यक्ति ने ज्ञान हो गया नेह नानास्त किंचन समृत्यु में मृत्यु में अपन होती है द्वैतम युवा पश्यति इत्यादि को जानने के बाद नारद जैसा तो विवेकी तो करेंगे ही भजन, कहते कौन भजे था, कौन नहीं करेगा संसार में, हर एक आदमी करेगा जिसमें किंचित विवेक जग जाए वो तो करेगा, और नारद जैसे कैसे नहीं करेगा, फिर कहीं मृतक नहीं आए। जब आम आदमी जब समझ लेता है हर क्षण हमारा चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु मंडरा रहा है, वो भजन करने को तैयार होता है तो नारद जैसे तो कहना ही क्या है, कह मृतक नहीं। अतएव भगवान जो नारद जी जो है भगवान की भक्ति करने के प्रति बड़ी उत्कंठा रखते थे, इसलिए बारंबार वहां आया करते थे।
इसी संदर्भ में एक बार जब आए थे नारद जी तब क्या हुआ, वसुदेवो गृहागतम तम देव ऋषिम। वसुदेव भगवान कृष्ण के पितामह पिताजी हैं, वो जो हैं आए हुए उस देवर्षि नारद को देख करके अर्चितम सुगम आसीनम उनका पूजा वजा किया, आराम से बिठा दिया, अभिवाद्य प्रणाम करके इदम अब्रवीत इन वचनों को कहे। वसुदेव वाच भगवन भवतो यात्रा स्वस्थ ये सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पित्रोर उत्तम श्लोक वर्तमानाम यथा पित्रोः आगमनम अपत्यानाम स्वस्थ ये व मंगलाय भवति। माता पिता आ गए, गर्व के बच्चे खूब कूदते नाचते खुश होते, अरे आ गए अपने पिताजी आ गए, जरूर लाए होंगे ना टॉफी वगैरह, खुश होते हैं। यथा माता पिता कोई भी बाहर गए का आने पर बच्चों को आनंद होता है, बच्चों का मंगल होता है, स्वस्थी होती है, उसी प्रकार से आप जो संतों का आगमन हम गृहस्थों के लिए मंगल अवश्य होगा। यथा चेक और दृष्टान दिया उत्तम श्लोक वर्तमान, उत्तम श्लोक की वर्तमान भूतानाम उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के बते मार्ग में चलने वाले महान परम भक्त जो होते हैं महताम यात्रा कृपणा नाम सुते कृपणों का कल्याण के लिए होता है। इसीलिए आप भगवान का ही दूसरा रूप है, अतएव आपकी जो यात्रा है निश्चित सकल देहियों का कल्याण के लिए। उत्तर तो उत्कृष्टता बता रहे, माता पिता का आगमन यात्रा संतान का कल्याण के लिए केवल, और भक्तों की यात्रा कृपणों के कल्याण के लिए है, और संतों की यात्रा सभी का कल्याण के लिए, ये विशेषता है। और नारद जैसे आप संत हैं अतएव आपके आगमन निश्चित रूपेण, केवल न आपका तो कोई संतान ही नहीं है, संतान कल्याण तो भाई नहीं मामला, कृपण के बाद कृपणों का कल्याण तो हो गया ही, क्योंकि आप संत होने से सभी का कल्याण करने आए हैं, तो कृपण और अकृपण सभी का कल्याण होना है, अतः हमारा भी कल्याण होगा ही, ऐसे वसुदेव की भावना है। भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधूनाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम। भूतानाम देवचरितम देवानाम चरितम अतिवृष्ट्यादिना भूतानाम दुखायापि भवति। कभी कभी देवता लोगों की कृपा भी ना खराब करता है, बड़ा दुख देता है। हम मान लो वरुण देवता ज्यादा खुश हो जाए, ज्यादा बरसा देगा तो बाड़ी बाढ़ हो जाए, सत्यनाश हो जाए चारों तरफ, तो देवताओं की कृपा भी कभी कभी हानिकारक हो सकती है, इन आप संतों की कृपा कभी हानिकारक नहीं होती। भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, कभी तो दुख देने के लिए हो जाता है, कभी सुख भी दे देता है। सम्यक दृष्टि पर हो जाए सुख दिया उसने, अब हवा इतनी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अब खूब तेज हवा आ जाए सीधे केदारनाथ से यहाँ, और सब क्या हो गया, सब कमरे बंद रहेंगे, आग जला करके ठंड के मारे परेशान, वायु दे तो सब साफ देते रहेंगे अंदर ही अंदर, अरे क्यों इतना बह रहा है, क्यों ऐसे परेशान कर रहा है, तूफान आ जाए उखाड़ के ले जाए मकान उकान, तब भी लोग परेशान हो जाते। सुखाय च दुखाय च दोनों ही देते हैं सब जितने भी देवता है, लेकिन साधु लोग तो आदृशान साधुना, सभी साधु नहीं, ये वेशधारी साधु से लेन देन नहीं है, तो आदृशान साधुना तो सुखायैव अच्युतात्मना, सुख मात्र के लिए होते हैं, क्यों आपका चित्त सदा अच्युत में लगा हुआ है, अच्युत में ही है आत्मा मन चित्त लगा हुआ है जिनका, ऐसे आप जो संतों की तो सदा सभी को सुख प्रदान के लिए होता है अन्यथा नहीं। ऐसे भी साधु होते हैं दूसरों की साधुता को भी खत्म कर देते हैं, ऐसे भी साधु हैं संसार में ना, जो दूसरों के साधुत्व की एक तो परीक्षा हो गया मान लो भगवान की तरफ से, या दूसरों के साधु नष्ट भी कर दे रहे, कैसे अनेक प्रकार से होता है। आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हम साधु हैं, लेकिन उससे आपके अपने साधुत्व पे रह करके दूसरों में रहने वाले साधुत्व को नष्ट कर दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता लोगों को कैसे होता है, यही समझना कठिन होता है। अपने साधुत्व के चक्कर में दूसरे के साधुत्व को भंग करने चले, ये रहस्य खोलना बड़ा कठिन होता है। जैसे कोई सोच मैं विरक्त हूं, मैं किसी के यहां नहीं जाऊंगा, ठीक है मत जाइए, कोई आपत्ति नहीं, अपने में आप तो ठीक है, लेकिन आप ये चाहते सभी मेरे पास आवे, ये क्यों, ये क्यों,
तुम्हारे पास क्यों आएंगे? लोभ लालच देकर दुनिया को बुलाते हो, इसे बड़ा पाप है क्या? पुण्य करने की आड़ में, धर्म की आड़ में पाप कर रहे हैं, ये नहीं समझते हैं वो लोग। देखने में बाहर से लगता है पुण्य कर रहे हैं, इतना दान पुण्य कर रहा है, इतना कर रहा है, वो कर रहा है, धर्म है तो। लेकिन नहीं, दूसरे के साधु और कुठारा घाते, लोभ लालच देकर उसकी वासनाओं को भड़काया आपने, और लोग भागे जाते, भागे जा रहे उसके चक्कर में, ये तो अधर्म हो गया। या तो यूं समझ सकते हैं, चलो वो जो कर रहा है अपना पाप तो कमा ही रहा, लेकिन दूसरे की साधुत्व की परीक्षा भी हो गई। दूसरे जो तथाकथित साधु वास्तव में साधु है ही नहीं, ये परीक्षा हो गई कि क्यों भाग रहे हैं आप। यदि आपके अंदर साधुत्व है, आप क्यों जाएंगे? आप ये सोचेंगे भगवान की मर्जी होगी तो यहां पहुंचाएगा ना, हमारे भाग्य में जो हमें यहां मिलेगी, हम क्यों भागेंगे? पुरुषार्थ करना गृहस्थ का काम है, गृहस्थी का काम है ना, सांसारिक पदार्थों के लिए दौड़ना गृहस्थी का काम है, साधु का काम तो है नहीं। इसलिए अपने साधु की परीक्षा भी यही है। पहले निमंत्रण आपके पास आता था, चलो निमंत्रण आपने स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है, निमंत्रण लेने के लिए जाना पड़े तो और खराब बात है। नहीं, ये तो और खराब हो गया ना, हमारे साधुत्व की असली परीक्षा है ये साधुत्व की असली परीक्षा है, देख रहे हैं कि भगवान क्या तुम करोगे। इतनी कलयुग की परिस्थिति हो गई है, इतना बुरा प्रभाव हो गया कलयुग का कि ये आदमी का विवेक खो गया। लड़ करके आज सुबह हमको एक ने सुनाया, वहां जाके गाली गलौज किया लोगों ने, निमंत्रण लेने के लिए गाली गलौज। तो क्या है ये, क्या साधु हैं ये? साधु समाज में साधु का वेश पहने सब कलंक है, कोई नियंत्रण तो है नहीं, क्या क्या करे, भेड़ बकरी का चाल चल रहा है, बड़ा कठिन काम। इसलिए द्वादृशानाम विशेषण दिया, केवल साधना में नहीं बोला, वसुदेव भी समझता है कि आगे आने वाले जमाने में हो सकता है उस जमाने में ऐसे ढोंगे साधु बहुत रहे होंगे, परिग्रही लोग। इसलिए कहते हैं तो आदर्शाम अच्युतात्म नाम साधु नाम सुखायैव भवन्ति, भजन्ति ये यथा देवान, देवापि तथैव तान, छायैव कर्म सचिवाः, साधो दीनवत्सलाः। ये यथा माम भजन्ते माम तां सतैव भजाम्यहम्, कहे ना भगवान, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। ये यथा देवान भजन्ति, जो जिस प्रकार से देवताओं का भजन किया करते हैं, उनको देवता लोग भजनानुसार ही सुख दुख दिया करते, सुगम विकुर्वन्तो न तथा साधु, साधु ऐसा नहीं होते। आप जैसा साधु की सेवा करें तभी वो आपकी भला करेगा, ऐसी बात नहीं है। सच्चा साधु वो होता है जो पीछे से सेवा कर देता है, आगे को पता ही नहीं चलेगा किसके माध्यम से सेवा हो गया, समय पर सेवा हो जाता है इन किसी को पता नहीं चलता कौन कर रहा है, वो सच्चा साधु है। और जाकर के मेरे हाथ से लेना पड़ेगा, लाइन लगो तब हम देंगे, ये साधुता नहीं है, असाधुता है। एक बार ऐसे ज्ञान पीठ में हम लोग देते, एक संत आए, अब गुजर गए, अवतार हरि बोलते उनका नाम था, और जो है वो आए घंटी बजवा भी, एक बार दो बार तीन बार, और बैठे हुए बादाम दे रहे हैं सबको, हम लोग भागे। अब हुआ क्या, असल में किसने बता दिया, वो एक आए नहीं, अब एक आए नहीं, कौन नहीं आए भाई, अब एक और रह गए, अब दोबारा घंटी बजी, तीबारा घंटी बजी, हम तो गए। फिर वो सीधे ऊपर आए, ऊपर के मंजिल में रहता था ना, तो ऊपर आए तो देखा था हम बैठे पड़ रहे थे, तो क्या बोल सकते हैं वो, तो उन्होंने से अपना भगत जो था उसको बोला रख के आ जाओ, रख करके चलो। तो बिना लाइन लगे मिला कि नहीं मिला? जो मिलना है भाग्य में कहां जाएगा, वो तीन घंटे मारने पर भी गए नहीं, तो ऐसे चले जाना चाहिए था उसको,
क्या जरूरत है नहीं ने उन दानों पे अपना नाम था ना, या हमारे चेड़ों का नाम था जिनके भागी में जाना। तो इसलिए आप अपने पर टिके रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं इन चीजों की, अपने आप पहुंचेगा। लेकिन भागते हैं ये गलती है। आप जैसे आप हैं वैसे वो हो गए, क्या करें। आपको जो है दौड़ने की इच्छा हो रही है, वो दौड़ाने के लिए भी तैयार है ना। देवताओं का ही काम है, आप जैसे चाहते हो वैसे आपको देते हैं घुमा फिरा करके। इसे देवताओं के चक्र में नहीं पड़ना। देवानपि तथैवतान, इसे देवापि तथैवतान, ये यथा देवान भजंती तान तथैव देवापि प्रददती, वो भी उसी प्रकार से दिया करते हैं। छाया ही यथा पुरुषो यावत कर दी तावत ही तसे छाया भी तो था। छाया का क्या दोष है? अरे आपने झोंपड़ी जितनी लगाई है वही हिसाब से तो उद्योग अच्छा है। आपकी कीवी है, आप लंबा लगा दो ना, आप 2 फुट का चौड़ा वरांडा बना लिए और पैर फैला लिए 6 फुट लंबा और कहो ए वरांडे का छत तो कैसा है, 2 ही फुट तक छाया दे रहा है और 4 फुट हमको जो है धूप दे रहा है, तो उसमें दोष किसका है? छत का नहीं। आपने खुद छत उतना बनाया है तो उतना ही दे रहा है। आप जितनी लंबी छत बनाओगे उसी हिसाब से छाया भी मिलेगी आपको। इसमें दोष जो है छत का नहीं है यथा, उसी प्रकार से दोष देवताओं की नहीं है, दोष आपकी अपनी है कि आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ा रहा है। ब्राह्म यंसर भूतान इंद्रारूढ़ानी माया, दौड़ा रहे दौड़ा रहे, चक्कर लगा दौड़ते रहो, है कि नहीं। इसलिए कहते कि देखो छाया इव कर्म सचिवा, कर्म सचिव माने पुरुषा, कर्म सहाय पुरुषा यथा यावत कुरुति तावदेव छाया पे प्रदाति एवमेव कर्म सचिवा पुरुषा। देवाह का विशेषण है कर्म सचिवा देवा अपी तथैव तान के साथ जुड़ेगा। लेकिन साधवो न तथा दीनवत्सला, लेकिन साधु जो होते हैं वो दीन के प्रति इतना दया उनके अंदर भाव वगैरह रहता है, वो तो भाई बिना कोई लेन देन के ही दे देते हैं। दीनवत्सला ब्रह्मन तथा पृच्छामो धर्मान भागवतांस्तव या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भया। हे ब्रह्मन फिर भी मैं आपसे पूछ के ही मांगना चाहता, यदि भी आपकी अपनी कृपा से कृपा दृष्टि से स्वतः ही आप सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन फिर भी किला तथापि धर्मान भागवतान पृच्छा, आपसे मैं वो भागवत धर्मों के बारे में पूछना चाहता हूं। यान श्रुत्वा जिसको सुनकर के श्रद्धया मर्त्यो श्रद्धा पूर्वक सुनने के पश्चात सर्वतो भयात मुच्यते सर्वतो भय मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तब नारद जी कहते हैं देखो, नारद जी जो बाद में अभी वसुदेव बोल रहे हैं, अहं किल पुरानंदम प्रजार्तो भूमि मुक्तिदम अपूजयन् न मोक्षाय मोहितो देव मायया। अहं किल पुरा अनंतम प्रजार्तो भूमि मुक्तिदम, इस पृथ्वी पर मोक्ष देने वाला जो अनंत भगवान है उनका मैंने भी पूजा की अपूजयम, लेकिन प्रजार्थ सन न मोक्षाय, मैं संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा की थी, मोक्ष के लिए मैंने किया ही नहीं था। ऐसे क्यों किया आपने गलती? कहते देव माया मोहितो, देव भगवसी भगवान की माया से हम मोहित हुए। इसलिए गुरुलोक क्या है, वो माया को ही तोड़ने के लिए गुरुलोक भी इसी से डांटते हैं फटकारते हैं सब करते हैं। उनका काम यही है अहंकार को तोड़ना, ये गुरु का काम होता है। और अहंकार को तोड़ना इतना आसान नहीं, भगवान की माया के साथ भिड़ना है कोई साधारण काम है। और भगवान की माया के कारण से सभी लोग अपने अपने अहंकार लिए घूम रहे हैं, है ना। आगे कहेंगे इसीलिए जो है कि हम लोगों को सही रास्ता का मालूम रहने पर उस पर हम चल नहीं पाते। मालूम है सही रास्ता, सब कौन नहीं जानता, गृहस्थी भी वेदांत जानते हैं। बता रहे थे एक संत, जो ट्रस्ट की बात थी किसी के यहाँ,
अब ट्रस्ट पे बात उठी तो कहते यार बार बार इस आश्रम में क्यों भंडारा करना, क्यों मिठाई देना, खिलाना पिलाना, महात्मा को तो सादा भोजन करके रहना चाहिए, खिचड़ी खा के रहना चाहिए और बीमार होना चाहिए, यही तात्पर्य हुआ है? तो वो बात पर बता रहा तो गुस्सा आया उसको, उसने कहा फिर ये तो कौन है महात्मा, तो भूसा खा के रहना चाहिए है? क्या बात कर रहे हो, महात्मा तो मनुष्य है, वो भी शरीर वाला है, आइए क्यों खाओ पियो, लोभ आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी चीज में, ये मिठाई चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो मिल रहा है खाओ पियो, लेकिन उल्टा उपदेश देने लगते हैं महात्माओं का ऐसा रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं आप, वैसे क्यों कर रहे हैं आप, और ट्रस्टी गृहस्थी जितने होते हैं उल्टा पक्के गुरु बन जाते हैं, वेदांती हो जाते हैं, और नचाने लगते हैं महात्माओं को, उल्टा ट्रस्ट बनाना बहुत बेकार काम है, इसीलिए बड़े बड़े आश्रम को देखो कैसे नचाते हैं सेठ, इसे जानते सभी हैं, वो गृहस्थी जो बोल रहा है वो जानता कि नहीं जानते, तो वही तो आपको पाठ पढ़ा रहा है अभी, आपसे पहले पाठ पढ़ा होगा या नहीं होगा लेकिन आपको पाठ पढ़ा रहा है जरूर, उल्टा हो रहा है, जानते सभी हैं लेकिन चलना कोई नहीं जानता है। उसको बोलो गृहस्थी का धर्म तुम्हारा ये, तुम ये करो ना, उसमें कहेगा हम तो गृहस्थी है महाराज, क्या अरे गृहस्थी का लाइसेंस मिल गया तेरे को गलत शर्त करने का, जैसे एक ब्रह्मचारी जी ने कहा था पहले जब तक हमको खटपट करना है तब तक हमें संन्यास नहीं लेना है, बताओ इसका मतलब क्या, तुम्हारे चोटी जनू खटपट करने का लाइसेंस हो गया है, वही बात है, वो अच्छी महात्मा जिस छोटे महाराज जी के 20-20 साल सेवा किया और वो कह रहा है, वो भी किनके सामने, रामन जी महाराज जी के सामने, आश्चर्य सुन के सबको क्या बात कह रहा है, जब तक खटपट करना है तब तक संन्यास नहीं लेना, ये शब्दावली थी, आश्चर्य होता है क्या सेवा का फल मिला, क्या शिक्षा पाया, क्या संस्कार मिला, क्या ज्ञान मिला, यही है खटपट करना तब तक ब्रह्मचारी बने रहो, आश्चर्य होता है, संस्कार वासना ऐसी है तो बड़े से बड़े के पास, और तब मेरे को याद आया उस पंचतंत्र की कहानी जो है गधा गाय की कहानी, सुनाता हूं ना कई बार, गौशाला में गधे को बांध दो, उसको हरा चारा भी दे दो, क्या कभी दूध दे सकता, गधा तो गधा ही रहेगा, कभी गाय नहीं बन सकता, वे महापुरुषों का संग करने से लाभ नहीं होता जब तक अपने आप को परिवर्तन करने की क्षमता है, अपने अंदर अपनी वासना के अनुरूप न चलने का दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, अपने संस्कार के अनुरूप न चलने का दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, त्यागते हम संसार को लेकिन अपनी वासनाओं को त्यागने को कोई तैयार, अपने संस्कार को नाश करने के लिए कोई तैयार नहीं, घूम फिर के कोलू का बैल जैसे 4 दिन ठीक रहेंगे फिर बाद में वही होगा, फिर वही चालू हो जाएगा, कईयों को देखा, इसलिए आप समझाते हैं कि देखो ये सब भगवान की माया से मोहित हो रखे हैं, इसलिए हम मोक्ष के लिए भगवान की पूजा नहीं किया था, प्रजा के लिए मैंने पूजा किया, यथा विचित्र व्यसनाद भवत भीर विशतो भयात मुच्येम हियंजसैवद्धा तथा न शादी सुव्रत, आप उस प्रकार से हमें उपदेश दीजिएगा जिससे हम यह जो विचित्र व्यसनात विश्व तो भवयात मुच्येम ही अंजसैव अद्धा निश्चित रूपेण अनायास ही हम इस चारों तरफ से भय रूपा से मृत्यु रूपा संसार से और अपने विचित्र वासना के जाल के कारण से व्यसनों से भरा पड़ा हुआ हम मुक्त हो सके ऐसे आपके द्वारा हम कुछ अनुशासन चाहते हैं, अतः तथा नह शादी हे सूरत, हमें आप उपदेश दीजिए आदेश दीजिए, बोल रहा अच्छा सूरत संबोधन श्री शिववाच सुखदेव महाराज कहते हैं राजन एवं कृत प्रश्न वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देव ऋषिर हरे संस्मारितो गुणैहि, यह हरे है द्वितीय में षष्ठी हो गया, कर्मणी में षष्ठी है, अधिकर्त देशां कर्मणी उसे जो है स्मृति धातु है ना, इसलिए एक स्मरण अर्थक धातु एक अर्थ, इसलिए द्वितीय लेना है हरिम ही अर्थ करना श्लोक में हरे है षष्ठी है, सम्यक ये कहते देखो
सम्यगेत व्यवसितम। हे राजन, हे परीक्षित, एवं कृत प्रश्न, जब इस प्रकार से वसुदेव के बुद्धिमान वसुदेव कर धीमदा वसुदेवेन कृत प्रश्न प्रश्न पूछे जाने पर प्रीतः प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद तम प्रति गुण ही संस्मार हरिम संस्मारितो आह। गुणैर वर्णनीयत्वेन प्रसुतैर, वर्णनीय रूपेन प्रस्तुत जो हरि उसको संस्मरण कर करके वह देवर्षि नारद बोलने लगे। नारद वाच सम्यग्येतद्व्यवसितं भवता सातुतर्षभ यत्पृच्छसे भागवतान् धर्मास्तं विश्वभावनान्। सम्यग्येतद्व्यवसितं, ये जो आपका विचार है, व्यवहार है, यह प्रश्न है, यह बिल्कुल सम्यग है, बिल्कुल उचित है। हे सातुतर्षभ, संबोधन वसुदेव के लिए, हे सातत्वंश में श्रेष्ठ वसुदेव, आपके द्वारा किया गया जो प्रश्न है अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। आपने भागवतान धर्मान तम विश्व भावनान तम पृच्छसे, यह जो यत तम जो आपने भागवत धर्मों के बारे में, जो कि विश्व को ही कल्याण प्रदान करने वाले धर्मों के बारे में जो पूछे हैं, वह बिल्कुल ही उचित किया है। क्योंकि श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रोहोपि। चाहे विश्वद्रोही भी क्यों न हो, महाधूर्ताति धूर्त दुष्टाति दुष्ट भी क्यों न हो, वह भी यदि इस भागवत धर्मों को सुन लेता है, श्रुतः पाठ करता है, अनुपठितः ध्यात ध्यान करता है, आदर पूर्वक करने वालों को भी प्रणाम करता है, अकरने वालों को अनुमोदन कर सहयोग देता है, वह सद्य पुनाति वह उसी क्षण उसी समय पवित्र हो जाएगा, भक्त पाप उसका नष्ट हो जाएंगे। सद्धर्मो भागवतो धर्मः देव हे वसुदेव इत्यर्थ। ये देव शब्द यहां संबोधन है, हे वसुदेव, वसु को छोड़ करके देव दे दिया, नामिक देश को लेकर के नामी का संबोधन कर दिया, वसुदेव का एक हिस्सा देव है, उसके संबोधन है हे देव। विश्वद्रोहोपि पुनात्येव, ऐसा ये सद्धर्म है, भागवत धर्म है जिसके बारे में तुम पूछे हो। यद्वा देवेभ्यो विश्वस्मै च द्रुहयन्ती, ये तानपि देवताओं से अन्यों से सबसे जो द्रोह करते हैं, देव विश्व द्रोहपि एक पद बना दो, देवताओं से द्रोह करने वाला, विश्व से भी, संसार से भी, सभी से द्रोह करने वाला हो तो भी वह भी पवित्र हो जाता है, यदि भागवत धर्मों को सद्धर्म को एक बार भी सुनता है, पढ़ता है, ध्यान करता है, आदर पूर्वक स्वीकार करता है या करने वालों को अनुमोदन करता है। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो मम। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन, त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन, परम कल्याण प्रदान कल्याण रूपा परमात्मा पुण्य है, श्रवण करने योग्य कीर्ति जिसका पुण्य प्रदायक है, श्रवण करने पर कीर्ति जिसका, ऐसे जो भगवान है उसको आपने मेरे को आज उसके बारे में पूछ करके मेरे को स्मरण करा करके मेरा भी कल्याण किया है। भगवान अद्य स्मारितो देवो नारायणो मम, हर मेरा देव वह नारायण ही है जिनका आपने स्मरण किया और जिनके प्राप्त करने का भागवत धर्मों के बारे में चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए आरम्भ किया है। अत्राप्युदाहरन्ती मम इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणांच संवादम विदेहस्य महात्मनः। कहते इस विषय में सीधा कहूं, उससे अच्छा महापुरुषों के मुख से कह जो कहा हुआ बात को सुना दूं, उस ज्यादा श्रेष्ठ है। नारद जैसे व्यक्ति सीधे उपदेश देना नहीं चाहता किसी बात का, एक कहानी के द्वारा, यही विशेषता है, हर समय की समस्या का समाधान पूर्व काल में उसी प्रकार की सदृश समस्या कभी खड़ी हुई है, कोई भी समस्या नई नहीं होती है अनादिकालीन संसार में, जो इस संसार चक्र चल रहा है इस चक्र में कुछ भी नया नहीं होता, हर एक समस्या का समाधान पूर्ववत किया जा सकता है। देखने में वो समस्या के अवयव जो है, वो समस्या के कारणीभूत जो तत्व का नाम स्वरूप क्रिया अलग हो सकता है, लेकिन जवाब जो हल है, समाधान है, वो एक ही होगा। इसे भीष्म युधिष्ठिर संवाद में भी देखिए, भीष्म के सामने युधिष्ठिर प्रश्न रखते हैं, कहते एक बार ऐसे था, ऐसे से राजा था, ये हुआ वो हुआ,
कहानी बता उसका समाधान उस कथा के द्वारा देते हैं। अरे इसी संकट में कभी कोई पढ़ा था, जैसे तुम प्रश्न पूछ रहे हो, उस समय उन्होंने क्या समाधान ढूंढा, क्या हुआ, उसे कल्याण कैसे हुआ था, उसे तारा कैसे उन्होंने, वो प्रक्रिया बता देंगे और कहेंगे वही तुम भी लागू करो। पुरातन आधार है कि संसार चक्र अनादि है, अतएव इस आधार पर जवाब दिया जाता है। यही प्रक्रिया नारद जी अपनाते हैं, नव योगीश्वरों के द्वारा तत्वों का ज्ञान प्रदान करने के प्रयास करते हैं। स्वयं उपदेश दे सकते थे लेकिन कहते नहीं। एक बार भगवान स्वयं ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए थे, ऐसे कथा शुरू करते। अत्रापि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम्। इस विषय में एदर्ज भागवत धर्मों के बारे में कई बार सत्संग हुआ है, कईयों के सामने हुआ, उनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण एक सत्संग मैं तुम्हें दोहराकर सुना देता हूं। यही विशेषता है। इसलिए कबीरा ने कहा, मन मिला तो मेला, चित मिला तो चेला, दोनों ना मिला तो अकेला ही भला भला। कहत कबीरा अकेला ही भला भला। मन मिल जाए तो सत्संग चालू, मन नहीं मिला तो तुम जाने हम जाने, चित मिल गया तो वही चेला है, चित ना मिल तो चेला किसका। इसलिए हम कहते पढ़ने से कोई हमारा चेला थोड़े हो जाएगा, कोई नहीं हो सकता। चित मिलनी चाहिए, गुरु और शिष्य का चित नहीं मिला तो भाई ठीक है, विद्यार्थी है, पढ़ा विद्यालय अब चला गया, छुट्टी हो गई, इस दुकान में गए डाल लिया, खत्म हो गई बात। क्यों वहां पर कोई चित लगाना पड़ता है क्या, उसकी माल वाप बिक रही थी या फ्री में मिल रहा, इतना ही फर्क है ना, आए अपना लिए और चले गए, खत्म। चित मिलना आसान थोड़ी है, चित मिलने के लिए तो गुरु जैसे ही अनुकरण करना पड़े, गुरु का अनुकरण करना पड़ता है, उनके भावनाओं को समझनी पड़ती है, उनके व्यवहार को समझना पड़ता है, उनके रहन सहन को समझना पड़ता है, उनके अनुरूप सकल व्यवहार करते चलना पड़ता है। और उनके चित्त को जीतना और उनकी से कृपा का प्रवाहित कर लेना कोई आसान बात नहीं है, इसे भी ईश्वर की कृपा ही समझो तभी हो पाता है, नहीं तो इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता। कई जगहों को देखा कि बस आते हैं चले जाते हैं, एक आचार्य के साथ जा रहे थे, वो आचार्य बता रहे थे, उनको उपराम हो गया पढ़ाई लिखाने से विद्यार्थियों से, उनको अपेक्षा यही थी चित्त मिलनी चाहिए, तो हमने उनको सुनाया ऐसे थोड़ी चित मिलता है, क्या बिराने कहा है, कुछ नहीं, मन मिलना भी मुश्किल है सत्संग होने के लिए, मन भी नहीं मिलता, क्यों अगला जो आया है सत्संग के लिए आया नहीं, उसके मन में कुछ और है, अगला आया है उसके मन में कुछ और ही है, तो मन कैसे मिलेगा, मन आपके मन के रंग में अगले का मन रंगित हो जाए हैं, आसान है, मन मिलना कठिन है, चित्त मिला तो दूर की बात, चेला कहां से होगा तुम्हारा। इसे विद्यार्थियों से अपेक्षा करना आचार्य का सबसे बड़ा बेवकूफी है, आचार्य को अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए पढ़ानी चाहिए, लाभ उठाए कोई ना उठाए कोई, सेवा करे कोई चाहे ना करे, भांड में जाए, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, तभी आप स्वाध्याय करा पाएंगे, नहीं तो आप स्वाध्याय नहीं कर सकते। आप चाहते हैं ये जो व्यक्ति हमसे पढ़ा जिंदगी भर मेरा ऋणी बना रहे, तो चेला ही हो सकता है, जो चेला बनता है ना वही गुरु का जिंदगी भर ऋणी बांधता है अपने आप को, और चेला वो बनेगा जो चित्त से मिलता है। अगर आप चाहते हैं जो कैलाश में जो सब हमसे चित्त से मिल जाए, सब हमारा चेला हो जाए, नहीं बेवकूफ है, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जो यहां आते हैं सब चेला बन जाए कोई जरूरी, कोई किसका चेला ऑलरेडी है तब क्या कर लोगे हैं, इतना आसान नहीं है। से मन मिला तो मेला, चित मिला तो चेला, दोनों नहीं मिला तो अकेला भला भला। कहत कबीरा अकेला भला भला, ये सुंदर बात है। इसलिए अकेले मैंने इसलिए उनको कहा कि अभी सब छोड़ो बबाल, अकेले भजन करो चुपचाप, नहीं तो फिर बीमारी हो जाएगी, टेंशन
है और क्या, अभी देखो विद्यार्थी तुमको मानता नहीं, अरे प्रणाम नहीं करता, कैसा विद्यार्थी है, और टेंशन हो जाएगा दिमाग, घर छोड़ा भजन करने उल्टा टेंशन कमाया, क्या फायदा हुआ विद्वान होकर के पढ़ लिख करके, ये उचित नहीं है। इसलिए जो ये सब बातें जो कहते हैं ये बिल्कुल बातें घटती है पुरातन सिद्ध, उनको देखो उनको समझो उससे तब समझ में आती है। अत्रापि उदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। ऋषभदेव के जो संतान थे उनका विदेह राज निमि के साथ में जो संवाद हुआ था उसको सुनो। विदेहस्य महात्मा, विदेह कौन है, निमि, राजा निमि का नव योगीश्वरों के साथ जो संवाद हुआ, और नव योगीश्वर कौन है, ऋषभदेव का पुत्र है, उनके साथ जो भी संवाद है उसको तुम सुनो। कह रहे संवादम प्रियव्रतो नाम सुतो मनोह स्वायं भुवस्य तस्याग्नि द्रस्तो नाभिर ऋषभस्तुतः स्मृतः। शुरू करते कहानी। एक स्वयंभू मनु था, स्वयंभू मनु, उनका पुत्र मनु, उस मनु का पुत्र प्रियव्रत, मनोह सुतो प्रियव्रतो नाम, और मनु किसका पुत्र था, स्वयंभू का, स्वयंभुवस्य मनोह, स्वयंभू मनवंतर में स्वयंभू नामक जो प्रजापति का, ब्रह्मा का संतान जो मनु हुआ, उस मनु का संतान हुआ था प्रियव्रत, उस प्रियव्रत का पुत्र था आग्निध्र, उस आग्निध्र पुत्र नाभि, और नाभि का पुत्र हुआ ऋषभदेव, भगवान साक्षात अवतार लिए संन्यास धर्म का प्रचार करने के लिए, ज्ञान को प्रस्थापित करने के लिए ही ऋषभदेव का अवतार हुआ था। ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः तम आहुर्वासुदेवांशं मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्णं सुदशतं तस्यासीत् ब्रह्मपारगम्। तम आहुर्वासुदेवांशं, साक्षात नारायण का अंशावतार था ऋषभदेव, और क्यों लिए उस तरह से अवतार लिए, मोक्ष धर्म विवक्षया, मोक्ष धर्म का प्रचार प्रसार उपदेश देने के लिए ही जन्म लिए थे, और अवतीर्ण होकर उन्होंने 100 संतान भी पैदा किया। विचित्रता देखो, संन्यास धर्म का प्रचार करने उतरे और ग्रस्त होकर के 100 संतान पैदा, इनमें से 9 तो योगीश्वर हो गए और बाकी कान भी क्या होंगे बताएंगे। तस्यासित ब्रह्म पारगम सुदशतम, उनके जो है तस्य आसीत ब्रह्म पारगम सुदशतम, वेद को सम्यक प्रकार से आर पार जानने वाले 100 संतान, सब के सब बड़े बड़े विद्वान हुए, वेदज्ञ वेद के परिपूर्ण ज्ञानवान 100 संतान संतान, वेद पारगम इत्यर्थ, ब्रह्म पारगम ने वेद पारगम, ब्रह्म ने वेद। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण विख्यात वर्षमे तद्यन नामना भारतम अद्भुतम। उनके पुत्र में सबसे ज्येष्ठ पुत्र था भरत नाम का, नारायण का परम भक्त था, और जिसके जिसके नाम पर वे इतना विख्यात हुआ, एतद वर्षम अपि यन नामना भारतम इति अद्भुतम, एतद अद्भुतम वर्षम अपि यन नामना आसीत, जिसके नाम से यह अद्भुत देश भारत नाम से विख्यात हुआ, वह भरत भी इसका सर्वप्रथम पुत्र था। सभुक्त भोगाम त्यक्ते माम निर्गतस्तपसा हरिम उपासीनस्तत्पदवीम लेभे वै जन्म भिस्त्रिभिः। वही भरत भुक्त भोगाम इमाम, राजादि बनकर इस पृथ्वी को भोग करके त्याग दिया, निर्गतस्तपसा हरिम, और चला गया जंगल, तप के अंदर हरि का भजन किया, तत्पद विम उपासीनः, और अंत में उसके भगवान का ही पद को, चरण को, धाम को, स्वरूप को प्राप्त कर गया। कैसे, जन्म भी त्रिभी, 3 जन्म की परंपरा से उसने प्राप्त कर लिया। इन्हीं श्लोकों को लेकर वहां ब्रह्मसूत्र में शंका हुई थी ना, कहीं 3 जन्म में कहते हैं, कहीं 7 जन्म में कहते हैं, क्या है इसका नियम, कहते कोई नियम नहीं है, वहां सिद्ध किया। तेषां नव नवद्वीप पतयो अस्य समन्ददः कर्मतंत्र प्रणेतार एकाशीतिर द्विजातयः। कम से कम 3 भी नहीं, गलत सोचते हैं तुम लोग, ये चेद वेदी तत् सत्यमस्ति, श्रुति को बाद रहे हो,
एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण नहीं लगेगा। क्षण की व्याज क्षण में ब्रह्म ज्ञान अवधि हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। तीन जन की क्या बात कर रहे हैं, ये तो केवल जो है उसके लिए है जिस व्यक्ति के अंदर वासनाएं थी। परोक्ष ज्ञान प्राप्ति काल में भी विभिन्न वासनाएं थी, उनके लिए अनेकों जन्म हो सकती है। क्योंकि भो नाम जन्म नाम थे स्मृतियां इसे करती, ये तो वासनावान पुरुष के लिए। परम विरक्त जो पर वैराग्य से संपन्न है, समाज का अभ्यासी है, उसके लिए तो क्षण मात्र से भी काम चल जाता है। वामदेव जी को तो गर्भ में ही हो गया, हा मनोरभवम इत्यादि बोला था। इसलिए अनेकों ऐसे हैं, जन्मत ही सब हैं। और हस्तमलक आचार्य का क्या है जीवनी, यही तो है। जन्म से उनको ज्ञान था, एक क्या जन्म एक क्या छोटी जबरदस्ती डाला जा रहा था उनपे, कभी कुछ संध्या उनके कुछ नहीं करना पड़ा। हंसते थे पागल जैसे, आगे कहेंगे एक ज्ञानी का लक्षण ये होता है, उन्हें कोई भरोसा नहीं, कैसे रहेंगे वो, उन्मत्त भी हो सकते हैं। उन्मत्तवती रहते थे वो जान करके, मृत गाय देव हंसते थे जोर से, मिट्टी को उछाल उछाल कर, लोग समझते नहीं थे क्या हो रहा है, पागलों के समझते थे। नाथ शंकराचार्य ने समझ गए ये क्या है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये कह रहा है मृत्यु का देव सत्य, इसलिए मिट्टी को उछाल रहा है। अरे संसार कुछ नहीं है, मिट्टी है मिट्टी है, ये बोल रहा है। बोलते ही थे, गुंगे जैसे रहते थे, पागल जैसे रहते थे। नाथ शंकराचार्य ने उनको पहचाना और फिर उनको स्वरूप बोध की ओर खींच के ले आए, तो फिर उन्होंने जो वचन दिया जवाब उसे स्पष्ट हो गया, हस्तामलक स्तोत्र। तब फिर वो सन्यास में आए, फिर उसके बाद तो पागल नहीं रहे वो, है ग्रंथों को लिख डाले, बिना पढ़े लिखे स्कूल गए नहीं, किसी गुरुकुल में नहीं गए। त्रोटकाचार्य का भी देखो कैसी जिंदगी, चित मिला तो चेला वही होते हैं ना, ऐसे ही होता है। फिर भाव होनी चाहिए ना वो सारी चीजें, इसलिए आप कहते हैं ये सारी चीज समझ करके ही वो उसका नाम सोए कि भुक्त भोग अंतते माम निर्गत तपसा हरिम उपासन तदिम वही ले वे जन्म विस्तृत। तीन जन्म से उसने प्राप्त किया तो उसका अपना वैसा वासना बन गया था, वो हिरण वगैरह की कहानी प्रसिद्ध है। तेषां नवनवद्वीप पतयो वस्य समंददः कर्मतंत्र प्रणेतार एकाशीतिर द्विजातयः। और जो नौ लोग हैं वो क्या किए, एक एक द्वीप का, नौ द्वीप है ना, एक एक द्वीप का एक एक सम्राट हो गए। अस्य तेषां उन्हीं अन्य शेष बचे हुए 99 लोगों में से नौ लोग जो ने क्या किया, नौ द्वीपों का मालिक हो गए, इस प्रकार से क्षत्रिय बन गए। कर्मतंत्र प्रणेतार और कर्मकांड का प्रणेता होकर उसका प्रचरण किया। और बाकी जो 80 थे, एकाशी थी लोग क्या हुआ, 90 में से 81 को ले रहे हैं केवल, वो लोग ब्राह्मण हो गए, सब वेद पाठ आदि करने लगे, वेद पार होकर ब्राह्मण बन गए। द्विजात नवा भवन महाभागा मुनयो ही अर्थशंसिना। और जब बाकी जो नौ बचे वही नव योगेश्वर हो गए। नवा भवन महाभागा मुनयो ही अर्थशंसिना श्रमणा वात रशना आत विद्या विशारदा। नौ लोग अलग अलग तरीके के हो गए, कुछ तो गए अर्थशंसन मैंने परमार्थ का निरूपक, सब के सब थे, ये तो सभी के लिए अन्वय होगा, सब के सब परमार्थ का ही अनेक अलग अलग साधन की प्रक्रिया से निरूपण करने लगे। उनमें से एक तो हो गया श्रमणा श्रमवंत, और दूसरा हो गया वात रशना दिगंबर हो गया, नहीं सब नहीं अलग अलग है, नवों के लिए नहीं लेना, सब अलग अलग लेना। श्रमणा वात रशना आत्मविद्या विशारदा, ये सर्व का विशेषण बन जाता है। आत्मविद्यायाम निष्णाता आत्ताभ्यास कृतश्रमा इत्यर्थ, सभी का विशेषण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, सब एक जैसे ही रहे। क्योंकि आत्ताभ्यास में जो निरंतर परिश्रम करने वाले होने से श्रमणा हो गया, और सदा दिगंबर वेशधारी होकर रहने की वात रचना सभी को हो गया नाम, और अपना अलग अलग नाम भी गिना रहे इसलिए अगले श्लोक में। और आत्मविद्या में ही निष्णात होने के नाते विशारद कहे गए,
कविर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिलश्चमस कर भाजन। नाम बता रहे, पहले का नाम कवि, दूसरा हरि, तीसरा अंतरिक्ष, चौथा प्रबुद्ध, पांचवा पिपलायन, छठा आविर्होत्र, सातवा द्रुमिल, आठवा चमस, नौवा कर भाजन नाम था। ते भगवत रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महि। तयेते भगवत रूपम विश्वम सदसदात्मकम, और सारा विश्व सदसदात्मक जो विश्व था, जड़ चेतन विभाग रूपा जो विश्व था, उसको भगवान का आनंद रूप मानते थे। इधर आत्मनो अव्यतिरेकेण पश्यन्त, वो अपने से अभिन्न रूप से देखते थे हर चीज को। व्यचरन् महि, और इस प्रकार देखते हुए सारा पृथ्वी पर स्वच्छंदता पूर्वक प्रारब्ध कर्मानुसार ने शरीर को चरने फिरने दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया था। अव्याहतेष्टगतय सुरसिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नाग लोकान मुक्ताश्चरन्ति मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवां भुवनानि कामम्। अव्याहत इष्टगतय, अव्याहत अप्रतिहत इष्ट अभिप्रेता गति रेशांते, जिनकी इष्ट गति का कभी कोई बाधा नहीं होती, और मुक्ता अनासक्ता इत्यर्थ, वे अनासक्त थे। सुर लोक हो, सिद्ध लोक हो, साधिगण का लोक हो, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, नर लोक, किन्नर लोक, नाग लोक हो, किसी भी लोक में घूमने फिरने में समर्थ थे। इष्ट गति का कहीं भी व्याहति नहीं होती थी। मुक्ता चरंती अनासक्त होकर के चरते फिरते थे। मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवां भुवनानि कामम्। और क्या कहते हैं, कहते हैं मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर द्विज, द्विजो में जो श्रेष्ठ, सभी के भवनों में अनायास चले जाते थे। कामम चरंती, अनासक्त और किसी के भी यहां भी चले जाए, कोई उन्हें रोक टोक नहीं करता था। द्विज गवाम, द्विज श्रेष्ठ मित्रता, द्विज श्रेष्ठ, कहीं भी चला जाए, किसी के पास भी चला जाए, सभी उनका स्वागत करते थे। उनके स्वरूप ही ऐसा था। कामम चरंति के साथ अनवयन, यथेच्छा पूर्वक विचरते थे। तो एकदा निमे सत्रम उपजग्मूर्यदृच्छया वित्तायमानं शिविर अजन्नाभे महात्मनः। इस अजनाभ नामक भारत देश में विदेह नामक नगरी का राजा निमी थे। विदेह नगरी का राजा निमी, एकदा एक बार वे नौ के नौ सातों के साथ 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 चलते हुए वहां होता हुआ सत्र याग में पहुंच गए। कोई निमंत्रण नहीं था, यदृच्छया अपने आप स्वत ही हो गया, बुलाया गया न चले गए जान करके, ऐसा कुछ नहीं। यदृच्छया गमन हो गया, ये सुखदेव महाराज का गमन हुआ ना, परीक्षित के मौत के सात दिन का अभिशाप हुआ, तो सोच रहे थे किससे क्या हो, इतने में अनायास आ गए। कोई बुलाने नहीं गया था, न किसे निमंत्रण भेजा है, निमंत्रण लिया है किसी से, हाँ स्वेच्छा पूर्वक पहुंच गए। यदृच्छया वितायमानं ऋषिभिः अजन्नाभे महात्मनः, ऋषियों के द्वारा वितायमानं सत्रम उपजगो विस्तार किया, मैंने अनुष्ठान किया, अनुष्ठीयमानं भारतवर्ष अनुष्ठीयमान उस सत्र याग में वे पहुंच गए जहां राजा निमी उसका मुख्य यजमान। तान दृष्ट्वा सूर्य संकाशान महाभागवतान त्रिप यजमानो अग्नयो विप्रा सर्व एवोपत स्थिर। उन्हें देखते सूर्य के सदृश कांति से संपन्न उन्हें देख करके उन महाभागवतों को स्वागत करने के लिए, हे नृप अरे परीक्षित सुनो, यजमान क्या वहां जो तीनों जो अग्नि थे, श्रोताग्नि, स्मार्ताग्नि, दो वो अग्नि देवता लोग उपस्थित हो गए स्वागत कर। समस्त ब्राह्मण सर्व एव और अन्य जितने भी उस याग मंडप में आए सदस्य लोग थे, सभा मंडप में, तो सभी खड़े होकर के स्वागत करने लगे। विदेहस्तान विप्रेत्य नारायण परायणान प्रीत संपूजयान चक्र आसन स्थान्य दार्हत। विदेह राजा निमी ने तान विप्रेत्य उन्हें नारायण परायणान तान, नारायण परस्वरपुन को नारायण रूप ही मान करके प्रसन्न होकर के आसन स्थान
यथार्थ यथा योग्य आसनों को प्रदान करके उनका सम्यक प्रकार से पूजा किए। तान रोचमान स्वरुचा ब्रह्म पुत्रोपमानव पप्रच्छ परम प्रीत प्रश्रयावन तो नृप। तान रोचमान स्वरुचा स्वप्रकाश से चमकता हुआ चार मान लो एक तरह से आभरण आदि प्रकाश से रहित होकर गए, न तो आवरण आदि प्रकाश है। भगवान की भी तेज जो है ना कभी कभी आवरणों के द्वारा वर्णन किया कुंडलत्विषा इत्यादि कह करके, लेकिन इनकी तो अपने ही स्वरोचिषा स्वप्रकाश से रोचमानान प्रकाशमानान तान ब्रह्म पुत्र उपमान मानो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र के सदृश दिख रहे थे। उन नवों को भी प्रश्रयावनत सन प्रश्रय सरसाष्टांग प्रणाम करके झुका हुआ खड़े होकर हाथ जोड़ खड़ा है और नृपह निमिही निमिही और निमि नामक राजा ने परम प्रीत सन पप्रच्छ आनंदित हो गया उनके आगमन पर और प्रसन्न होकर के पूछ रहा है। विदेह उवाच, क्या पूछेगा क्या जवाब मिलेगा।